वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में 12 अगस्त को मिली महिला के सिर कटे लाश की शिनाख्त शालीमार गार्डन लिसाड़ी गेट निवासी स्वयं के रूप में हुई है। 20 वर्षीय युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके भाई व पिता को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के अपनी ही बिरादरी के युवक से संबंध थे और वह उससे निकाह करना चाहती थी। इसका परिजन विरोध कर रहे थे। अंततः समाज में लगातार हो रही बदनामी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। पहचान छिपाने के उद्देश्य से सिर कलम कर उसका शव फेंक दिया गया। सिर नाले में फेंक दिया गया था, जिसकी आज JCB लगाकर तलाश की जा रही है। दरअसल 12 अगस्त की सुबह लिसाड़ी गेट न्यू इस्लाम नगर में 20 वर्षीय युवती का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने आशंका जताई थी कि आरोपी शव को चादर में लपेटकर कब्रिस्तान में फेंकने जा रहे थे, लेकिन किसी के आ जाने के कारण वह उसे वहीं फेंककर बाहर निकले। SP सिटी विनीत भटनागर ने आज यह जानकारी दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 12 तारीख को लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक युवती का शव मिला था। पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि शव पे धड़ तो था लेकिन सर गायब था। हमारी कई टीमें लगी थी और तमाम CCTV देखे गए। कई बार ऐसा लगा खुलासे के नज़दीक आए, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया था। आज इसमें खुलासे की तरफ जो है काफ़ी डेफिनेट स्टेप्स आगे बढ़े हैं हम लोग। मुखबिर की सूचना के आधार पर जानकारी हुई कि सानिया नाम की 20 साल की ये युवती थी और संभवतः किसी व्यक्ति से इनकी मित्रता थी, जिस पर इनके परिजनों को एतराज़ था। और प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि सानिया को उसके परिजनों ने ही, उसके किसी बहुत निकट संबंधी ने, संभवतः उसके पिता के द्वारा जो है मारे जाने के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया इस बात को कि उन्होंने पहले इसको मार दिया और मार करके उसकी सर को जो है धड़ से लग करके कहीं पर फेंक दिया। वहाँ पर इनकी निशानदेही पर तलाश कराई जा रही है, लेकिन चूँकि वो नाला है तो अभी जो है काफ़ी मशक्कत हो रही है, लेकिन अभी तक सर और वो आला कत्ल भी नहीं मिला। उनकी तलाश जारी है, पहचान कराई गई है, लेकिन चूँकि हम लोगों ने DNA पहले से इसका अनुरक्षित करा रखा था, तो DNA से जो है प्रोफाइलिंग से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जो इस प्रकार से ये जो गुत्थी थी सुलझ गई है और इसमें साक्ष्य के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। प्रथम दृष्टया इसके बहुत निकट के जो परिजन है, संभवतः इसके पिता, उनका इसमें हाथ प्रतीत हो रहा है, उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। सर, निश्चित रूप से इसमें क्राइम ब्रांच का जो है बहुत काफ़ी गहन योगदान रहा है उनके लिए, और स्थानीय थाना पुलिस का भी, जिनका भी योगदान है इसमें, सभी के लिए पुरस्कार की प्रस्तुति मेरे द्वारा की जाएगी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.TV। नमस्कार।